दोस्तों कैसे हैं, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज हम मौजूद हैं भादराबाद के इलाके में। आज हम डोसा पॉइंट में मौजूद हैं, जो एक सुजुकी के ऊपर कायम है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मसाला डोसा, कीमा डोसा, चिकन डोसा और प्लेन डोसा, ये मुख्तलिफ जायके मौजूद हैं। तो हम आपको आज इसकी तैयारी दिखाएँगे, तो चलिए देखते हैं। ये चावल और दाल का पेस्ट है। अभी मसाला का ऑर्डर है। अब ऑयल डालेंगे, ईवा का ऑयल यूज़ करते हैं। दो से तीन मिनट तक पकता है ये मसाला है। आलू का मसाला है जी, लंबा करके फैला दे। दो मसाले डालो। फाइनल है अभी, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गया, गोल्डन क्रिस्प। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अच्छा, मुझे पता है ये कितने अरसे से यहाँ पर ये डोसा चल रहा है। ब्रदर, ये 97 में मैंने शुरू किया था। लगा लें आप साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा रिस्पांस है, लोग बहुत लाइक करते हैं। और शुरू से जो मैंने क्वालिटी रखी है, वो आज भी उसी तरीके से मैं चल रहा हूँ।
और तकरीबन आप समझ लें कि अब थर्ड जनरेशन मेरे पास आ रही है, मतलब बाप बेटा आते थे, अब बेटा जो है उसका बेटा या बेटी के साथ रेगुलर आ रहा है, वो खाने की आदी हो गए। साउथ इंडियन डिश है बेसिकली। और अगर आप देखें तो जैसे ये चावल और माछ की दाल से, आप चावल की रोटी कह लो उसको, तो ये आइटम जो है हमारे इंटीरियर सिंध में भी है, और अगर आप पहाड़ी इलाकों में चले जाएँ स्वात वगैरह तो वहाँ पर भी खाया जाता है दूसरे नाम से। जैसे वो लोग वैशाले बोलते हैं, वो चावल की रोटी खाते हैं, वो वैशाले बोलते हैं उसको। हमारे सिंध की साइड जाओ तो आप वहाँ बोलते हैं चिलड़ा, चिलड़ा कहते हैं। हाँ, ये सिंधी जबान चावल की रोटी। तो अलग अलग नामों से और इस तरीके से थोड़ा सा प्रेजेंटेशन चेंज है, थोड़ा सा वे ऑफ मेकिंग चेंज है, अदरवाइज़ है वही चीज़। तो ये कि ये हमारे खाने से थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि चावल और माछ की दाल की रोटी है, राइट। तो क्रिस्पी टाइप का होता है और इसका बनाने का तरीका डिफरेंट है, ईजी टू डाइजेस्ट होता है, जो उसकी सॉसेज है कोकोनट वगैरह से, तो बड़ा एक हटकर चीज़ है। तो लोग जब चेंज मांगते हैं तो ऑब्वियसली फिर वो ढूंढते हुए आते ही हैं। बस बस अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए मेरे पास मसाला है, तीन टाइप के डोसे हैं। चीज़ ऐड करना चाहें तो वो भी चीज़ भी ऐड हो जाती है,